से व्यवस्था होती तब बताओ क्या होता, तब तो अनर्थ हो जाता, कुछ बचते नहीं ना धन दौलत। जो है कहीं गैस वगैरह रिसाव से लगता है कि लगा है और लगभग इनकी करोड़ों रुपए की दुकान में नुकसान हुआ है। ये 50 साल पुरानी दुकान है और बाजार की सबसे बड़ी दुकान थी। कोई जान माल का नुकसान नहीं है, सब ऊपर ही लोग दूसरे के घर से कूदते हुए निकल गए। क्या इसमें बिजली विभाग की लापरवाही मानी जा सकती है कि नहीं? इसमें तो लापरवाही नहीं मानी जा सकती है। फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंचा? फायर ब्रिगेड लगभग 1 घंटे के बाद पहुंचा। 1 घंटे फायर ब्रिगेड 1 घंटे के बाद पहुंची है, जो कि फायर ब्रिगेड का कार्यालय हमारे महानगर से 3 किलोमीटर के दूर है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार कसौदा। आप प्रधान भी हैं इस गाँव? पूरा नुकसान हो गया, करोड़ों रुपए। किस चीज़ की दुकान कर रहे थे? कपड़े की दुकान कर रहे थे। बहुत पुराने 2-3 सेल के पास कपड़े की दुकान थी और उसमें संभवतः पूरा कुछ बचे नहीं है। इनके 3 मंजिला मकान में करो कुछ है ही नहीं। जो लोग शरीर पे कपड़ा पहने बस वही है और कुछ किसी को बचे नहीं। पूरा 3 मंजिला का सामान जल गया। सब जितना कपड़े ऊपर से नीचे लेकर के सारे कपड़े भरे हुए थे, सब नुकसान सब जल के खा। सूचना देने के बाद फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची? 1.5 घंटा बाद आया। फायर ब्रिगेड तो बहुत निकम्मा निकल चुका है। एक गाड़ी आई। यही बगल संसारीपुर 2 किलोमीटर है। अब मैंने स्वयं जो है चौकी इंचार्ज को फोन किया, सोहरैया फोन किया। फायर ब्रिगेड 1.5 घंटा बाद संसारीपुर से 3 किलोमीटर में आने लगा। किस सामान का नुकसान हुआ है, सब जल गया है। और आपको पता है जब आग लगती है तो घर में झाड़ू भी नहीं बचता है। ग्रामीणों के संग आप भी आग बुझा रहे थे तो अंदर क्या किसकी दुकान थी, किसकी दुकान किए थे? सब कपड़े की दुकान थी, तमाम तरह का सामान था। चूँकि बहुत बड़ी दुकान थी, जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़े सेठ थे महाराजन से, पुरातन रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी से उनका यही काम था, यही व्यवसाय था। मेरे अंदाजा से तो 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान है। साफ कपड़े जितने भी तरह के सामान थे सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया है। यह है कुशल मनाइए कि दमकल की टीम मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में कामयाब हो गई। लेकिन आग बुझाने के पहले आग फैल तो नहीं पाई, लेकिन उस घर में कुछ नहीं बचा। पीड़ित परिवार को आपकी तरफ से क्या मदद की जाएगी? देखिए, पीड़ित परिवार को मेरे मदद से हम लोग एक कमेटी बनाएंगे। हमने अभी यहाँ के जो प्रधान हैं विनोद गुप्ता जी, उनसे हम लोग की चर्चा हुई। हम लोग एक कमेटी बनाएंगे। परिवार सुरक्षित है, हम लोग फिर बना लेंगे कमेटी बना करके। हम लोग सब लोग सहयोग करेंगे और उस सहयोग से पुनः उसी तरह से